तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे है मिनी जू। और चलिए आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं, वहाँ पे मगरमच्छ भी है। तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही गजब का है। तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पे। और आज हम आ चुके हैं सारनाथ, जो कि बनारस में स्थित है और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे ना यार जू भी है छोटा सा, और वहाँ पे मगरमच्छ भी है। आइए बताते हैं आपको। तो गाइस अभी इस समय हम पहुँच चुके हैं बुद्ध टेम्पल में, जो कि बेहद खूबसूरत है। सारनाथ में बनारस में सारनाथ है, वहाँ पे है। तो यार मैं भी उल्टा ही बोल रही हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और लाखों लोग विजिट करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, मेरा मन। चलिए तो गाइस ठीक सामने आप देख रहे हैं सारनाथ का टेम्पल, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखिए, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं और पास से दर्शन करते हैं और यहाँ के पूरे मोमेंट को आज जीते हैं हम सब। चलिए चलते हैं। भीड़ देखिए, मतलब इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी भीड़ देखिए आप, दूर दूर से लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी सारनाथ का ही वीडियो बनाऊँ। मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत ऐसे ही भीड़ हमेशा आपको मिलेगी, मतलब ठंडियों में तो और मिलती है। सोचिए आप, गर्मी का टाइम है और इतनी भीड़ है यहाँ पे। सोचिए सोचते रहिए, नहीं मेरे को देखिए, सोचिए मैं। तो वाकई में बहुत भीड़ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये टेम्पल। और ठीक यहाँ से मैं खड़ी होकर अभी मुझे ठीक बौद्ध जी का दर्शन भी हो रहा है, ठीक अंदर का भी मूर्ति मुझे यहाँ ही से दिख रही है। चलिए चलते हैं और यहाँ का पूरा व्यू लेते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और पास से देखने में ये टेम्पल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बौद्ध जी का मंदिर है और बाहर से ही आप बौद्ध जी का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इतनी भीड़ है कि आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, उसके लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं, क्योंकि मेरा पैर जल रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत बना हुआ है। ये है एंट्री गेट, आप देख रहे हैं इधर, और ठीक सामने बुद्ध जी का दर्शन आप पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आइए। ये देखिए यहाँ पे भी वो लगा हुआ है, हम लोग के यहाँ जैसे वो घंटी लगी रहती है ना, घंटा लगा रहता है बजाने के लिए, यहाँ पे भी लगा रहता है, लेकिन ये एक अलग तरीका का है। इसमें कुछ होता है अंदर से, ऐसे वो करते हैं और तब वो चलाया जाता है। चलिए चलते हैं अंदर। गाइस फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं बौद्ध मंदिर में, जो कि सारनाथ में स्थित है। इस तरफ आप देखिए सारी बुक्स मिल सकती हैं यहाँ पे, बहुत ही देखिए बौद्ध से रिलेटेड सारी आपको मिलेगा। 19वीं सदी का बनारस भी है यहाँ पे, देखिए ये बुक भी है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एकदम डेकोरेट करके साइड में लगाया गया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पे बौद्ध जी के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और पूरे चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ बिल्डिंग में, मतलब चारों तरफ वॉल्स पे आप देख रहे होंगे कि पेंटिंग्स बनी हुई हैं, छूना मना है पेंटिंग्स को, वाकई में बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो आइए दिखाएं आपको, बौद्ध जी के दर्शन कराते हैं आपको अब यहाँ पे। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं बौद्ध जी का मंदिर है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से रखा गया है और मतलब क्या सजाया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। वाकई में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया हुआ है और चित्रकारियाँ जो यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं वॉल पे, वो भी बहुत खूबसूरत है। मतलब हर एक तरीके से इस मंदिर को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, इसीलिए लाखों लाख लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। और बनारस में आते हैं तो भाई सारनाथ तो घूमना बनता ही है। तो आप घूम रहे हैं इस समय सारनाथ ज्योति के साथ। आइए
चलिए चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि बौद्ध जी किस कहाँ पे साधना करते थे और उन्होंने अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो यहीं पे दिए थे। इस चलिए चलते हैं बाहर, क्योंकि ये बौद्ध मंदिर है तो यहाँ पे तेज नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कहाँ पे बौद्ध जी पूजा करते थे। अभी इस समय हम बौद्ध स्थली पर हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बिहार से और उपदेश दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरी ब्रांच है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं, और दूसरी शायद श्रीलंका में है, पहली मैं अभी आपको थोड़ी देर बताऊँगी। पहली जो है वो बौद्ध गया में है। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बुद्ध वृक्ष है, चलिए चलते हैं। बुद्ध वृक्ष है ना, चलिए चलते हैं। और यहाँ थोड़ा सा धीरे बोलना है, बाहर ही लिखा हुआ था तो थोड़ा धीरे बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए हाथ ऐसे घुमाने वाला, वो भी है जो मैंने काफ़ी बार उसमें देखा है, सॉन्ग्स में देखा है। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। फ़ोटो शूट्स भी कर रहे हैं लोग, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ये सब दर्शन करने, जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बौद्ध जी हमें भी उपदेश दीजिए प्लीज़। राउंड लगाया जाता है इसको टच करके। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, टच करते हैं इसको और राउंड राउंड घुमाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे जो है ऐसे घुमाया जाता है। तो गाइस ये देखिए आप, यहाँ पे बौद्ध जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ, और पीपल का पेड़ ठीक बीच में है, और ये अगल बगल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना। यही है वो वृक्ष जिसके नीचे बैठ के बौद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था। तो आइए एक राउंड लगाते हैं इधर का और देखते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। ये जो वृक्ष आप इस समय देख रहे हैं, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ, ये है पीपल का वृक्ष, पता ही होगा आई नो। बेहद खूबसूरत है वाकई में, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है इस जगह को। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं बौद्ध जी का उपदेश देते हुए, और नीचे बुद्ध लोग बैठे हुए हैं। बुद्ध जी यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं और नीचे लोग बैठे हुए हैं जो कि ग्रहण कर रहे हैं उसे। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। चलिए चलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जू भी है, वहाँ पे भी चल के देखते हैं। बहुत मैंने सुना है वहाँ पे मगरमच्छ भी है और बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स भी हैं। तो चलिए चलते हैं, चलो चलो। आपने यहाँ का दर्शन किया जो कि बेहद खूबसूरत है यार, बड़ा ही मज़ा आ गया। और चारों तरफ आप देखेंगे क्या है कि ग्रीनरी आपको दिखेगी, और आर्यन और मैं खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हैं इस समय आप, कितनी खूबसूरत देख रहे हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। और कितनी भीड़ आ रही है ये भी देखिए आप, कितनी भीड़ आ रही है, और बड़े बड़े पेड़ हैं इधर उधर लगे हुए जो कि गजब के लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। प्यारा लग रहा है देखने में बहुत यार। ये देखिए यहाँ का जो सनसेट दिख रहा है यार, शाम के 6:30 बजने वाले हैं और सनसेट देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ का, वाओ। और इस साइड देखिए, इस साइड यहाँ पे फूल वगैरह लगे हुए हैं। लोग यहाँ पे मेन पता है आपको, इस साइड जो लोग आते हैं वो मेन पिकनिक मनाने आते हैं, बढ़िया से चटाई मैट वगैरह लेकर आते हैं, खाने पीने का सामान। तो गाइज यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे है मिनी जू, और चलिए आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं, वहाँ पे मगरमच्छ भी है। तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही गजब का है यार। यहाँ पे ना आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी, तो वो देखिए वहाँ पे है एक टिकट काउंटर, चलिए चलते हैं और टिकट खरीदते हैं वहाँ से। वाओ वाओ यार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटी सा तालाब टाइप का बना हुआ है, उसमें मछलियाँ भी, आइए दिखाते हैं, कलरफुल हैं वो भी, आइए। जी जाओ, जी जाओ, जी जाओ।
यार ये देखिए इतना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितनी ढेर सारी फिशेस दिख रही होंगी ऑरेंज कलर की, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। एक है वाइट और ब्लैक कलर की, देखो कितना खूबसूरत बना है ना ये। तो गाइस वहाँ का जो वीडियो बना है ना बड़ा ही गजब का बना है, लेकिन लंबा थोड़ा वीडियो बन गया है, तो इसीलिए मैं ये जो पार्ट है वो सेकंड में बनाऊंगी, उसको भी देखिएगा जरूर, मिस मत करिएगा। यहाँ का जू भी जो है बहुत ही गजब का है, तो चलिए चलते हैं और जू की तरफ, और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको अपने सेकेंड पार्ट में। तो गाइज अभी आपने यहाँ पे दर्शन किए सारनाथ में, यहाँ पे इतनी भीड़ थी और बहुत ही मज़ा आया, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में।